पद्मावती फिल्म को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी ने भी हिस्सा ले लिया है। सपा ने भी इस फिल्म का विरोध किया है, लेकिन सपा के विरोध की वजह पद्मावती नहीं बल्कि फिल्म का मुख्य किरदार अलाउद्दीन खिलजी है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरशद खान ने अलाउद्दीन खिलजी के गलत चित्रण को लेकर संजय लीला भंसाली की निंदा की है। अरशद खान ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण राज्य विस्तार के लिए था, रानी पद्मावती के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल, न्यायप्रिय, बहादुर और अच्छे चरित्र का शासक था। जौनपुर से विधायक रहे अरशद खान ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी की शक्ल, चरित्र और हमले का गलत उद्देश्य दिखाने के लिए फिल्म निर्माता की हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत खूबसूरत और शानदार पर्सनैलिटी का पठान था, एक बहुत ही अच्छा शासक था, हिंदू मुसलमान सबको न्याय, बराबरी और सम्मान देता था, मगर फिल्म पद्मावती में उसकी भूत जैसी शक्ल बनाई गई है और उन्हें गलत ढंग से क्रूर, जालिम और अय्याश दिखाकर राजपूतों और मुसलमानों में नफरत पैदा कराने का काम किया गया है। इसलिए इस फिल्म का प्रदर्शन गलत तथ्यों को हटाए बिना नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।